बात करना चाह रही थी वो यूनुस खान के कमबैक में मुझे बहुत खुशी हुई है। अगर यूनुस जैसा इतना बड़ा प्लेयर बेंच पे बैठ सकता है और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका फ्लो, उनका रिदम, उनकी मेहनत, उनका स्ट्राइक रोटेट करना, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली। वो पाकिस्तान को उस टाइमिंग में उस वो जो वक्त था वो बड़ा क्रूशल था और उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक अपने एंकर का रोल जो असूलन उनको अदा करना चाहिए उन्होंने काफ़ी हद तक उसको अच्छा अदा किया। तो उनकी खुशी हुई मुझे, आई होप कि टीम कंटिन्यू करेगी। जी इस वर्ल्ड कप में एक दिलचस्प बात देखने में आ रही है कि जब पाकिस्तान टीम मैच जीती है तो कोच वकार यूनिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और जब टीम हार जाती है तो वो मिसबाह उल हक को आगे कर देते हैं। आज जब मैच के बाद वकार यूनिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो एक बदमजा सी सूरत हाल पैदा हुई जब उनसे सरफराज अहमद के हवाले से पूछा गया कि जी आपने इनको क्यों नहीं खिलाया, क्यों नहीं खिला रहे थे, क्या कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, तो वो खासे नाराज हो गए। उन्होंने इस बात का कोई क्लियर कट जवाब भी नहीं दिया और कुछ खबरें ऐसी हैं कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़ के चले गए। इस पर आलिया से बात करते हैं। आलिया, पहले तो ये बात कि सरफराज को खिलाया नहीं जा रहा था, अब उनको खिलाया गया, इसकी भी वो कोई लॉजिक नहीं दे सके और शायद उन्होंने सरफराज की वो तारीफ भी नहीं की जो एक कोच को करनी चाहिए थी अपने प्लेयर की। अशर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशाओ, अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं। तो जो इज्जत के काबिल होता है वो होता है जो मेहनत करता है और जो अपने काम से अपने स्किल से साबित करता है कि उसमें ये सलाहियत है कि उसे इज्जत दी जाए। अब वकार यूनुस जो हैं या मैनेजमेंट जो उनको नहीं खिला रही थी, आप यकीन करें मैंने बड़ी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की है, अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल किए हैं कि किसी तरह मुझे वो बात पता चल जाए कि क्या वजह क्या थी जिसकी वजह से नापसंदीदगी है। मतलब या आपको इतना ज़्यादा वो है कि आप एतमाद नहीं कर रहे उसके ऊपर, आपको वो प्रीवियसली खेल के आया है, आपने पूरी सीरीज खिलाई है उसको, लेकिन वो फिर जो लुबे लुबाब मुझे अंदाज़ा हुआ है, बातें जो मुझे पता चली हैं वो सिर्फ इतनी सी हैं कि उनका ये ख्याल था कि ये यूएई की जो कंडीशन हैं उसमें तो ये अच्छा खेल सकते हैं, बॉल नीचे रहता है, कंफर्टेबल खेल सकते हैं। यहाँ पे चूंकि मेरा ख्याल है ये जो हमारे प्रैक्टिस मैचेस थे उसमें एक दो दफा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, सरफराज आउट हो गए थे, तो उसके बाद से जो है वो कोच स्पेशली कोच जो है वो थोड़े से उनका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो गया था। अब जाहिर है कि आप एक आध इनिंग्स के बाद आप एकदम से तो राइट ऑफ नहीं किसी को कर सकते, जबकि आप एक ऐसे बंदे को जिसको आप एक थर्ड ओपनर के तौर पर लेके गए। एक तो मेरा दिमाग इस चीज पे, मैं बड़ी सख्त जो है वो गुस्सा आता है इस चीज के ऊपर, ये मोइन से भी सवाल जरूर पूछना चाहिए, मिसबा से भी पूछना चाहिए और वकार से भी पूछना चाहिए कि आपने उसको थर्ड ओपनर के तौर पे सिलेक्ट कैसे किया। अगर आज आप ये कहते हैं कि जी प्रोफेशनल ओपनर है नासिर जमशेद इसलिए हमने उनको बुलाया और इसलिए हमने वो किया, तो जब आप ले जा रहे थे तो क्या आपको ये बात नहीं पता थी कि इनमें कितनी सलाहियत है? क्या आपको नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कंडीशंस कैसी हैं? क्या उस वक्त तक आपको ये आइडिया नहीं हुआ था टीम सिलेक्ट करते वक्त भी जनवरी में, आपको अंदाजा नहीं था कि सरफराज के अंदर कितना पोटेंशियल है? वो आपकी आई नहीं है, इसका मतलब है आप जज ही नहीं कर सकते किसी प्लेयर को। तो बहरहाल वो जो भी वजूहात थी, और लेकिन आज बहुत खुशी हुई कि इसलिए ज्यादा खुशी हुई कि चलें हम सब के प्रेशर की वजह से ही, मीडिया के प्रेशर की वजह से सही, लेकिन चेयरमैन का, क्रिकेट बोर्ड का भी मैं उसमें जरूर क्रेडिट दूंगी उनको, खास तौर पे चेयरमैन साहब को, कि उन्होंने भी, नजम सेठी साहब ने भी इस चीज पे प्रेशर डाला है, उन्होंने मीडिया में भी बात की है, डायरेक्ट भी कॉल्स की हैं, बात की है और कहा है कि भाई सरफराज को आप क्यों नहीं खिला रहे, तो इनको खिलाना पड़ गया है। अब उन्होंने सोचा होगा कि देख लेते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो ये तो मैं अब अज्यूम कर रही हूँ अपनी तरफ से, एक बिल्कुल एक लेमैन की हैसियत से, कि जी अब खिला लेते हैं, देख लेंगे क्या कर लेगा, ओपन करना तो कोई आसान बात नहीं है ना बेल स्ट्रेन के सामने और मोर्कल के सामने, लेकिन वही बात जो मैंने की कि जिसके अंदर सलाहियत होती है उसको आप बहुत देर तक छुपा के नहीं रख सकते। वो टैलेंटेड लड़का है, उसको खेलना चाहिए था, उसको थ्रू आउट रहना चाहिए था। फिर ये प्रोफेशनलिज्म का जो दौर है, अशर मुझे इसमें ये समझ में नहीं आती कि आप एक प्रोफेशनल फुल टाइम कीपर आपने जिसको रखा है विकेट कीपर, उसको आप ड्रॉप करके अपनी एक एडजस्टमेंट करने के लिए अपनी जरूरत के मुताबिक आप एक दूसरे प्लेयर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। यानी उमर अकमल पे भी तो प्रेशर आ रहा है ना, हालांकि उसने बहुत, मेरा ख्याल है काफी बेहतर, उसने भी 5 कैचेस लिए हैं, और सरफराज की जो है वो क्रेडिट जहां उसके 6 कैचेस का है जिसमें उसने एडम गिलक्रिस्ट का जो है वो रिकॉर्ड बराबर किया है, उसके अलावा
वो दूसरे पाकिस्तानी विकेट कीपर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में सलीम यूसुफ के बाद जिन्होंने 87 में लिया था मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, उसके बाद ये सिर्फ दूसरे पाकिस्तानी विकेट कीपर हैं जिन्होंने आज ये अवार्ड हासिल किया है। तो कितनी इज्जत की बात है और कितनी अच्छी बात है कि एक लड़के ने अपना पोटेंशियल आपको साबित किया। एक तरफ तो हम ये रोते रहते हैं कि दलेर लोग नहीं है, जिगरे वाले नहीं है, बोल्ड नहीं है, और आप देख रहे हैं जिस तरह हमारी टीम खेलती है डर डर के, रुक रुक के, समझ नहीं आती उनको कि सिंगल लेने हैं नहीं लेने, अपनी अपनी जगह बना रहे होते हैं। तो असल में क्रिकेट कैसे खेली जाती है वो सरप्राइज है। आपको यहाँ इंटर करना पड़ेगा, हमारे साथ शोएब अख्तर मौजूद हैं और वो मिसबाह हक की कप्तानी के हवाले से क्या कहते हैं, आइए वो देखते हैं। मेरा बांसर ये कि मिसबाह ने आज बॉलिंग में बहुत कमाल का एग्रेशन दिखाया। भाई जो बात सच है वो सच है और मैं उसको तैयार हूँ, मानने को तैयार भी हूँ और मैं मिसबाह के साथ खड़ा हूँ कि बॉलिंग कैप्टनसी जब करते हैं तो फिर फर्क मिसबाह नजर आते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है जब वो विकेटें लेने जाते हैं और विकेटें उन्होंने ली और बॉलरों ने भी रिस्पॉन्ड किया। ऐसा नहीं, अलग है, बॉलिंग ठीक हुई पाकिस्तान की, बहुत आउट क्लास बॉलिंग हुई, लेकिन अगर आगे रखे इरफान बॉलिंग और राहत ने अच्छी लेंथ पे हिट किया, वहाब ने अच्छी लेंथ पे हिट किया, क्योंकि इनको सारे लोग पीछे घुसे रहते हैं और जब वो आगे बॉलिंग करते हैं तो तब वो बहुत अनप्लेएबल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मिसबाह कैप्टनसी में आज सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो उनकी बैटिंग की वजह से होता है। जब वो सिंह स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, जब वो यूनुस खान को प्रेशर डालता है, जब उमर अकमल या दूसरे बैट्समैन प्रेशर डालता है, जब मिसबाह बहुत ज्यादा डॉट बॉलिंग खेल जाते हैं तो नॉन स्ट्राइक के पर प्रेशर पड़ जाता है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करें स्ट्राइक रोटेट करें ताकि दूसरे बैट्समैनों पर कम प्रेशर पड़े और पाकिस्तान का टोटल बढ़ता जाए। और इसी के साथ चलते हुए पाकिस्तान टीम ने आज मोमेंटम गेन किया है, पाकिस्तान की बॉलिंग ने, पाकिस्तान की मिसबाह की बॉलिंग कैप्टनसी पे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान एक किलिंग जोन में है। बड़े से बात, शोएब अख्तर भी बिलाखिर मिसबाह हक की कैप्टनसी के फैन दिखाई दिए, मुतमईन दिखाई दिए कि मिसबाह हक ने किस तरह बातें की। तो इसके साथ ही अब प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आलिया, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और इसी के साथ अब प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन, अगला मैच पाकिस्तान का आयरलैंड के खिलाफ है 15 मार्च को। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं कि पाकिस्तान टीम वो मैच भी जीतेगी और कुछ देर बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे मेरे